अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अब्दुल्ला। अगेन यू आर वॉचिंग मिस्टर अब्दुल्ला। अगेन आई हैव ब्रॉट अ टॉपिक। टॉपिक इज वोकैबुलरी। एज आई हैव ब्रॉट अ वेरी एसेंशियल टॉपिक बिफोर एंड दैट टॉपिक परटेन टू वोकैबुलरी। आई हैव ब्रॉट फाइव वोकैबुलरी अलॉन्ग विद एडियम। सो नो अगेन आई हैव मेड माई माइंड टू अपलोड और टू ब्रिंग अनदर टॉपिक। दिस इज यू नो सेकेंड पार्ट एंड दैट वॉज फर्स्ट पार्ट। इन सेकेंड पार्ट अगेन आई हैव ब्रॉट सम वोकैबुलरी as well as some idiomatic expression. Without wastage of time or without any oscillation, I would love to hit the topic. The very first word which we have, that is traumatic. Traumatic ka matlab hai, I would like to translate it into Urdu as well. Traumatic ka matlab hai, jo cheez painful ho, something which is very painful. Something, you know, which gives you a kind of pain. That refers to traumatic. Now, or here traumatic is an adjective. लेट्स सी एग्जाम्पल। इट वॉज अ ट्रोमेटिक इंसिडेंट। इट वॉज अ ट्रोमेटिक इंसिडेंट। वो जो हादसा था वो बड़ा ट्रोमेटिक था, ट्रोमेटिक था, बड़ा पेनफुल था, पेनफुल देने वाला था। यू मे से दैट आई हैव बीन थ्रू यू नो अ ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस, बट माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी ट्रोमेटिक एंड इट वॉज रियली यू नो दैट गिव्स मी यू नो अ काइंड ऑफ पेन। ओके, द सेकेंड वन लैम्बॉस्ड। लैम्बॉस्ड a verb, lambast. Lambast means to criticize someone or to scold someone. जब आप किसी को डांटते हो, सख्त तरीके से किसी को डांटना, बुरा भला कहना किसी को, lambast. My father lambasted me. मेरे वाले साहब ने मुझे काफ़ी डांटा, काफ़ी बुरा भला कहा, lambast. It has so many synonym like chide भी कहते हैं, स्कॉल्ड भी कहते हैं, जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं टू स्कॉल्ड समवन, स्कॉल्ड भी कहते हैं, चाइड भी कहते हैं, और चेस्टाइज भी कहते हैं, लैम्पून भी कहते हैं, रिब्यूक भी कहते हैं। यू नो दिस आर ऑल यू नो द सिनोनिम ऑफ लैम्बास्ट। लैम्बास्ट का मतलब है किसी को डांटना, ये ऐसे वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तीसरा हमारे पास जो है वो है डेल्व इन टू। डेल्व इन टू का मतलब है किसी की प्राइवेसी में जाना और टू गेट इन्फॉर्मेशन और टू गेट टू डिस्कवर समथिंग मोर। जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जान पड़ताल, दिस इज अ गुड वर्ड, जान पड़ताल करना किसी चीज़ के बारे में। ही डेल्व्स इन टू माई प्राइवेसी। अगेन दिस इज वर्ब, ही डेल्व्स इन टू माई प्राइवेसी। वो जो है मेरी प्राइवेसी में जान पड़ताल करना चाहता है, मेरी प्राइवेसी। सो ही डेल्व्स इन टू माई प्राइवेसी, इट्स रियली नो गेट्स ऑन माई नर्व्स। I'm really, you know, fly off the handle. I cannot control myself. I'm truly, you know, at the end of my tether. Okay, delves into. Delves into का मतलब है, ये भी एक verb की तरह इस्तेमाल हुआ। Delves into का मतलब है किसी चीज़ के बारे में जान पड़ताल करना। Delves into. अच्छा, delves into बाज़ औक़ात हम इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि बैग वगैरह जो चेक करते हैं इस तरह जल्दी जल्दी में, जो कुछ चीज़ें वगैरह चेक करते हैं। डोंट डेल्व इन टू माई बैग, डोंट डेल्व इन टू माई बैग, वो हाथापाई जो किस्म का वो करते, ठीक है। सो दैट रेफर्स टू डेल्व इन टू। फोर्थ वन जो हमारे पास है वो है कोरेस इन टू। कोरेस इन टू का मतलब है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। जब आप किसी से ज़बरदस्ती काम निकाल दो, किसी को फोर्स करते हो और ज़बरदस्ती किसी से काम निकालना, कोरेस इन टू। ये अगेन हमारे पास एक वर्ब है। ये कोरेस टू भी होता है, कोरेस इन टू भी होता है। अगर कोरेस टू इस्तेमाल हो जाए तो उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर कोरेस इन टू हो तो इन टू के बाद अमूमन आम आई एन जी इस्तेमाल की, जिसको जेरेंड कहते हैं, अमूमन वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही कोरेस्ड मी इन टू साइनिंग ऑन डॉक्यूमेंट्स। उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स पर ज़बरदस्ती मतलब मुझे साइन करवाया, उसने मुझे फोर्स किया, मैं नहीं चाह रहा था, आई डोंट वॉन्ट टू साइन ऑन इट, बट ही कोरेस्ड मी इन टू साइनिंग ऑन डॉक्यूमेंट्स। सो कोरेस इन टू अगेन वर्ब है हमारे पास, इसका मतलब है ज़बरदस्ती किसी से कोई काम निकालना। अच्छा, यहाँ पे एक फ्रेज मैंने लिखा है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं फसाद की जड़। वो कहते हैं ना कि फसाद की जड़, फसाद फलाना जो था वो फसाद की जड़ था। तो एग्जाम्पल देखते हैं, प्रॉपर्टी इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम। उसके दरमियान जो लड़ाई झगड़े हुई थी उसका जो वो था बोन ऑफ कंटेंशन, जो फसाद की जड़ थी वो क्या थी, प्रॉपर्टी। और rather you may say that, जिस तरह हम कहते हैं बाज़ औक़ात के आप फसाद की जड़ हो, you are the bone of contention, आप फसाद की जड़ हो। bone of contention भी कहते हैं, इसके साथ एक दूसरा है an apple of discord का भी यही मतलब है, फसाद की जड़। so property is the bone of contention between them, his wife is the bone of contention between them, that's why they were fighting to each other because
his wife was the bone of contention. Okay. यहाँ पे मैंने एक idiom लिखा, leave no stone unturned. Maybe you have come across to this word, leave no stone unturned. Leave no stone unturned means to make every possible effort. सख्त कोशिश करना, हर possible जो है efforts करना. When you are go through, you know, when you are go that extra miles to do something, when you are making indefatigable effort. इसके साथ साथ एक दूसरा है, वो भी मैं बताता चलूँ, to burn the midnight oil. To burn the midnight oil, जो सख्त मेहनत करते हैं, जो रात को लोग पढ़ते हैं, कहते हैं ना कि he burns the midnight oil, that's why he pass or he qualify the CSS exam. तो ये leave no stone unturned का मतलब है सख्त मेहनत करना, सख्त कोशिश करना. He leaves no stone unturned to pass the CSS exam. वो सख्त कोशिश करता है, वो सख्त कोशिश करता रहता है. He leaves no stone unturned to pass the CSS exam. कि वो CSS exam को क्या करे? पास करने. और यू मे से दैट ही मेक्स इनडिफेटिगेबल एफर्ट टू पास द सीएसएस एग्जाम, या ही बर्न्स द मिडनाइट ऑयल टू पास द सीएसएस एग्जाम, या ही इज मेकिंग हिज हार्डेस्ट टू पास द सीएसएस एग्जाम. सो दीज आर यू नो सम वोकैबुलरी एंड दिस इज यू नो सेकंड पार्ट ऑफ दैट वेरी लेक्चर. बिफोर दैट आई हैव अपलोडेड वन लेक्चर एंड दैट वन इज अनदर वन. अगेन आई वुड लव टू upload another lecture, and that lecture will be very interesting. That lecture will be pertains to like this lecture. Thank you so much. Take care. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you.